पिटिया ने जो वंदना गाई है आज पहली बार ये मंच पे खड़ी हुई। आप सभी लोग आशीर्वाद दें कि अपने मकसद में आगे कामयाब हो, माँ इसको कामयाबी की ओर बढ़ाए। तो आइए चलते हैं जवाबी की ओर। एक शेर बोली थी अभी, लेकिन कहना है क्या क्या कि ईद के दिन भी रही मिलने की हसरत मुझको, कि ईद के दिन भी रही मिलने की हसरत मुझको, उस दगाबाज ने धोखा हमें हर साल दिया। क्या बात, प्यार मांगा था मेरी झोली में गम डाल दिया, और किसी हसीन ने धोखे से रंग डाल दिया। कि मैं सावन का साज संवारूं या पतझड़ का गीत लिखूं, अपने जीवन के अंतिम पृष्ठों पर हार लिखूं या जीत लिखूं। मैं निराश जीवन निराश, मैं रात सुहानी क्या जानूं, मैं खुद ही एक कहानी हूं औरों की कहानी क्या जानूं। तो मेरे जीवन का ये प्रवाह चौर घिरा है धारों में, मैं सागर की बूंद लहर दरिया की रवानी क्या जान। क्या बात है बुद्धे, ये हमारे हमारे जो बिटिया ने वंदना गई, हमारे श्री ज्योति प्रकाश वाजपेयी जी की ओर से एक से एक पत्र मुद्रा का आशीर्वाद आया है। क्या बात है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। धन्यवाद है आपको। आइए चलते हैं जवाबी की ओर, चलते हैं। एक धुन दी है, कौन सी, कि तुम्हें क्या पता है कि तुम मेरे क्या हो। क्या बात है, क्या बात है, ये है तिवारी, क्या बात है। हमें और जीने की
ना होती तो होली ना होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात लाई है। और सब कहानी बता दी आपने कि होलिका जो बुआ थी प्रहलाद की वो बच गई। सही बात, लेकिन वो बच कैसे गई? वो जल गई लेकिन प्रहलाद कैसे बच गया? लेकिन मेन बात सुनिएगा, उसके पास एक साल दुशाला साल थी जिसको वो ओढ़ के बैठ जाती थी तो अग्नि उसको नहीं जलाती थी। लेकिन वो होलिका अपने प्रहलाद को अपने भतीजे को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने जब आग लगाई गई तो दुशाला प्रहलाद को उड़ा दिया। ये है महीन बात। लेकिन सुनिएगा, आपने होली की बात बताई कि होलिका ना होती तो ये ना होता। अब हम प्रयास कर रहे हैं, सुनिएगा कल्पना जी। धारा पे अगर पग ये धारा न होता, भगवान क्यों माँ काली क्रोध होके चली? भगवान क्यों लेट गए रस्ते में? अगर पग धरा पे ये धरा न होता, और चलते चलते अगर सीने पे पग वो धरा न होता। तो जीत का झंडा फहरा न होता, जीत का झंडा फहरा न होता, दिवाली न होती दशहरा न प्रयास कर रहा हूं कहीं से जवाब निकल आए। सेनापति मुरली को श्री मनोज शुक्ला सेवर उनकी तरफ से प्राप्त है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। सुनिएगा, सेनापति मुरी को जो मारा न होता, क्या बात है, कभी नाम उनका मुरारी न होता। नरक चतुर्दशी का नरक चतुर्दशी का व्रत वो सुनहरा न होता, दिवाली न होती दशहरा न होता। अगर पाप दस हर को यह देखो, अगर पाप दस
दस पाप हैं और उन पापों का हरण करने वाला है। दस पाप गर उनको हरा न होता तो दिवाली न होती, दशहरा था तो दिवाली न होती, दिवाली न होती। ये यथाशक्त प्रयास तुरंत। और आइए अपनी ओर से एक गीत दे रहा हूं। कल्पना जी, गीत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं, सीधा साधा सा गीत, बिल्कुल सीधा। सुग्रीव ने जब ये पता संपाति ने बता दिया कि वो सीता अशोक वाटिका में बैठी है, मैं देख रहा हूँ अशोक वाटिका में बैठी है, तो ये कहा सुग्रीव ने, क्या कहा कि अंगद तुम चले जाओ, चले जाओ। जब ये बात कही तो अंगद कहने लगे, प्रभु प्रभु मेरे आगे कुछ समस्या है। कौन सी? कि चार कारण है प्रभु जिससे मैं नहीं जा सकता, मजबूर हूँ। कहने के कौन से कारण? कौन सुनेगा वो कारण बता रहे हैं अंगद जी। कि पहला जी है, क्या बात है, नारों के शंका भारी है, तू जा अच्छे के संग में मेरी बचपन की तकरार, इसीलिए मैं तो हूं लाचार, कैसे जाऊं सागर जाओ।
प्रभु इसलिए मैं नहीं जाता हूं। तीसरा तीजा नम मेरी निशानी है। क्या बात है, आखिर मैं जाऊं और कोई निशानी नहीं तो हम पहचानी भी कैसे। ये हमारे भैया जी नाम नहीं बता गए, धन्यवाद है। ये 60 रुपए प्राप्त हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। सुनिएगा ऐसे तीजा ना मुंदरी निशानी है ना पूरी होगी कहानी है। क्या साहित्य है भाई। चौथा कारण ब्राह्मण सागर रूप मेरे सरकार, ऐसे भूलू संस्कार ना जाने के अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। एक बार अर्जुन को भ्रम हो गया कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है भगवान कृष्ण का। ये मन में भावना आई आई तो कन्हैया समझ गए उनको लेकर के चले। एक ब्राह्मण के वहां पहुंचे, वो ब्राह्मण झोपड़ी में देखा दोनों लोग भेष बदल कर पहुंचे। तो देखा कि वो ब्राह्मण घास पर तिनके खा रहा और कमर में तलवार बांधी। अर्जुन ने देखा कि नहीं ये मामला क्या है, क्या मामला है भाई। तो जब उससे पूछा कि इसका कारण, तो उसने कहा सुनिएगा क्या कारण है कि मेरे दुश्मन हैं जग में चार। अब उधर वो चार कारण, अब इधर ये चार दुश्मन बता रहा है कि मेरे, इसीलिए मैंने तलवार बांधी। सुनिएगा कहा दुश्मन कौन कौन। पहले वो कैसे दुश्मन है। अरे कहा वो जितने समय देखो आवाज दे देते उनको दौड़ना पड़ जाता है, एक जगह बैठने नहीं देते। पहले वो नारद ज्ञानी है, दूजे प्रहलाद ज्ञानी है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तीजी द्रौपदी चौथी अर्जुन। द्रौपदी कैसे दुश्मन। अरे कहा भगवान खाना खाने जा रहे थे और उन्होंने आवाज दी, भूखे जाना पड़ा। अर्जुन इसलिए दुश्मन कि मेरे भगवान को सारथी बनाया, नौकर बनाया। तीजी द्रौपदी चौथी अर्जुन मेरे दुश्मन चार, इसलिए बांधी है तलवार जग में।
ये हमारे भैया श्री डीएम भैया कलौली, उनकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं प्राप्त है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। इसीलिए मैं तो हूं लाचार, ना जाने के कारण विचार, क्योंकि पहला चक्र था, कुछ समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन आइए हमारी बन कल्पना जी आपके अब अपने सक्षम साथियों के साथ बहुत सुंदर सा चक्र लेके आ रही है, बहुत सुंदर सा जवाब सुनिएगा आप लोग, तब तक के लिए